भारतीय टीम के लिए रात भरी खबर सामने आई है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा 30 दिसंबर को भारतीय खेमे से जुड़ जाएंगे। वहीं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद 16 दिसंबर को वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। फिलहाल वो सिडनी में 14 दिन के क्वारंटाइन अवधि को पूरा कर रहे हैं। पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को सलामी जोड़ी मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। पृथ्वी शॉ एडिलेड टेस्ट में दोनों पारियों में सिर्फ 4 रन जुटा पाए और दोनों बार बोल्ड हुए। रोहित शर्मा के आने से भारतीय टीम के ओपनर की समस्या सुलझ सकती है। वो पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए टेस्ट में सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाना शुरू कर चुके हैं। वहीं सिडनी में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के चलते तीसरा टेस्ट का भी आयोजन मेलबर्न में किया जा सकता है। मेलबर्न में दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जबकि सिडनी में तीसरा टेस्ट 7 से 11 जनवरी के बीच खेला जाना है। अगर सिडनी में हालत काबू में नहीं आए तो वहाँ तीसरा टेस्ट होने की संभावना बहुत कम है। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से अनुरोध किया है कि वो रोहित शर्मा को मेलबर्न में क्वारंटाइन पूरा करने की अनुमति दे दें। इस तरह भारतीय टीम के हिटमैन भारतीय कैंप में शामिल हो सकते हैं। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसने बीसीसीआई को बताया कि नियमों के तहत रोहित शर्मा को उसी होटल में रूम में रहना होगा जो विक्टोरिया सरकार द्वारा चुना गया है। वहीं रोहित शर्मा फिलहाल सिडनी में 2 कमरे के अपार्टमेंट में अकेले रह रहे हैं। यहाँ उनके इंडोर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी है। वहीं बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया है कि टीम मैनेजमेंट लगातार उनके संपर्क में है। इस सवाल पर क्या सिडनी में बढ़ते मामलों के बीच रोहित को वहां से निकाला जाएगा, वहीं बीसीसीआई ने कहा है कि रोहित शर्मा को सिडनी से मूव करने की जरूरत नहीं है। रोहित वहां क्वारंटाइन के दौरान बायोसिक्योर वातावरण में है। इसी हफ्ते सिडनी में कोरोना के नए मामले आने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर और सीन अबॉट को समय से पहले ही मेलबर्न भेज दिया था। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।